हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ये देखिए गाइस, आ जा रहे हैं हम कहीं घूमने के लिए। अब जाके पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, तो चलो गाइस चलते हैं। ये देखिए गाइस, हम आ गए हैं कॉन्सेसेंट मॉल में, और मैं और हर्षवर्धन। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए गाइस, मॉल में एंट्री करते ही ये यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। जैसे एंट्री करी होता है मॉल में, भीड़ होती है, क्राउड होता है लोगों का, और बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, तो वो सब मुझे कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे को अंदर जाते ही ऐसा लगा था हमारे साथ पोपट हो गया, और हो ही गया हमारे साथ पोपट। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी देखी थी, तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मेरे को। इयररिंग्स वगैरह कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा था। यहाँ पे नेकलेस वगैरह हैं तो, और मैं अंदर दिखाती हूँ। ये फर्नीचर की शॉप्स हैं यहाँ पे। सब कुछ नॉर्मल सा था, और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ हम एक्साइटेड हो उस मॉल में, हमें जाना है वहाँ से ये शॉपिंग करें। आई तो मैं इसी पर्पज़ से थी, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो चलो आज घूम के आते हैं, कुछ शॉपिंग करके लाते हैं। ये यहाँ पे होम डेकोरेशन वाली चीज़ें थी इस शॉप के अंदर। फिर आगे भी यहाँ पे क्लिनिक वगैरह भी है इस मॉल के अंदर में, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि मैं मतलब हर्षवर्धन को जैसे लेके आई थी हर्षवर्धन इंजॉय करेगा, तो ऐसा कुछ था नहीं। देखो पूरा मॉल खाली है, और मज़े वाली बात नहीं आई मेरे को, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो गाइज मेरे साथ तो पोपट ही हो गया। हर्षवर्धन भी बस ऐसे जिद कर रहा था, इधर चलो उधर चलो। हर्षवर्धन को अब सीढ़ियों पे झूलना है, उतरना और चढ़ना है। हर्षवर्धन आपको बहुत जल्दबाजी हो रही है, इधर आओ इधर। ये नीचे आने के लिए है, ये ऊपर जाने के लिए है। ये ऊपर के लिए है। हमें रुको 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 रुको, हाय तो कर दे पापा को। हाय, वेव करो, वेव वेव करो। हेलो गाइस, ये हम कहाँ पहुँच रहे हैं? पूरा मॉल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है इधर, एक दो ही है बस। पूरा मॉल खाली है, ये देखो कितने सारे शॉप्स तो खाली है इधर। ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है इधर। गाइज वैसे तो बहुत बड़ा मॉल है, लेकिन मज़े वाली बात नहीं है कि जैसे बच्चे के साथ हम आए हैं तो इन्जॉय करें। देखो शॉप्स वगैरह भी ज़्यादातर बंद है, और लोगों ने अपनी शॉप लेके यहाँ पे कर रखा है, वैसे जैसे मॉल में होता है वैसे नहीं है। अब बताओ यहाँ पे हर्षवर्धन भी बोर हो रहा है। अभी उस तरफ और चल के देखते हैं क्या है। इधर तो कुछ ज़्यादा खास मेरे को लगा नहीं। वेट, ये देखो कितना अच्छा बन रहा है नीचे, कितना प्यारा लग रहा है ना। हर्षवर्धन ने यहाँ पे गंदगी फैलानी शुरू कर दी, मैंने सफाई अभियान शुरू कर दिया, और क्या करूँ गाइज, हर्षवर्धन के लिए कुछ था ही नहीं यहाँ पे। इसको भूख भी लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो कुछ खिला पिला दे, लेकिन यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं है गाइज। तो गाइज आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा यहाँ पे। मैं आपको क्या दिखाऊँ, तो मुझे खुद नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा, तो मैं ऐसी आ गई थी। तो चलो गाइज अब टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।